बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक थी और उसे अपनी चालाकी पर घमंड भी था। हर रोज वो किसी न किसी जानवरों को अपनी चालाकी भरी बातों में फंसाकर मजा लेती थी। एक दिन सुबह लोमड़ी अपने घर से निकलकर कहीं जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उसे एक गधा दिखाई देता है। गधा को देखकर लोमड़ी रुक जाता है और मन ही मन कुछ सोचकर हंसने लगती है। फिर गधा के पास जाती है। अरे ओ गधा भाई, यहाँ तुम क्या कर रही हो? सुबह से कुछ खाई हो या भूखा पेट इधर उधर घूम रही हो? नहीं लोमड़ी बहन, सुबह से कुछ नहीं खाया। इधर मैं खाना ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ खाना नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि वो तुम ही हो जो अभी तक भूखा घूम रहे हो। आज सुबह मैंने किसी से सुना था कि नदी के पास वाले पेड़ के नीचे तरह तरह के फल सब्जियां उगी हुई है। मैं तो नाश्ता वहीं से कर चुकी हूँ और बाकी के जानवर भी खा चुके हैं। लगता है अब बस तुम रह गए हो। अच्छा ये बात है, तो लोमड़ी बहन मुझे भी जल्दी से वहाँ ले चलो ना, मैं भी पेट भर खाना खाना चाहता हूँ। ले चलो ना लोमड़ी बहन। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। वैसे तो कुछ काम से मैं कहीं और जा रही थी, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आऊंगी, फिर अपने काम पर जाऊंगी। तो लोमड़ी बहन चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो मेरे लिए खाना नहीं बचेगा। अरे वाह, ऐसे कैसे चलो? मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो तुम भी मेरे लिए कुछ करो। अच्छा क्या करना है बताओ, मैं अभी कर देता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी धूप है। ठीक है तुम एक काम करो, मुझे तुम्हारी पीठ पर उठा लो, मैं बहुत थक चुकी हूँ, इतनी धूप में चल के नहीं जा पाऊंगी। गधा लोमड़ी के कहे अनुसार उसको पीठ पर बैठाकर पूरा रास्ता ऐसे ही चलता है। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों नदी के किनारे पेड़ के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब गधा उसे कहता है, लोमड़ी बहन तुमने तो कही थी यहाँ पर बहुत सारा खाना है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तुमने मुझे झूठ क्यों कही? देखो भाई, यहाँ जितना खाना था उससे कहीं ज्यादा इस जंगल में खाने वाले हैं। अब तुम यहाँ देर से आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है और गधा ठगा सा महसूस करता रह जाता है। मुझसे झूठ बोलकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं महाराज शेर के पास जाता हूँ। गधा महाराज शेर के दरबार में पहुंचता है। महाराज दरबार में बैठे थे, तभी गधा उनके सामने गया और लोमड़ी के नाम लेकर शिकायत करने लगा। महाराज आज एक लोमड़ी ने मुझे धोखा दी है, मुझे ढेर सारा खाने के लालच देकर मुझसे बहुत सारा काम करवाया है, मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। महाराज वो लोमड़ी अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझती है, वो हर रोज किसी न किसी जानवरों को धोखा देती है। तब महाराज शेर कुछ सोचकर कहते हैं, ये बात है, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि मेरे पास उस लोमड़ी की शिकायत आ रही है, और ये भी कि बहुत जानवरों को इससे कष्ट हो रहा है, उस लोमड़ी को हमारे दरबार पे बुलाया जाए।
राजा शेर के इतना कहते ही उनके सैनिक लोमड़ी को बुलाने जाते हैं। थोड़ी देर बाद लोमड़ी सर उठाए बड़ी शान से महाराज के दरबार में आती है। प्रणाम महाराज, आपने बुलाए मुझे, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? देखो लोमड़ी, तुम्हारे बहुत शिकायतें आ रही है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि अपनी चालाकी का गलत प्रयोग करके इस जंगल के भोले भाले प्राणियों को परेशान करना बंद कर दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए राजा जी, मैंने कभी इस जंगल में रहने वाले जानवरों को मूर्ख नहीं बनाया। वो लोग पहले से ही मूर्ख है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बस उनसे थोड़ा बहुत मजाक करती हूँ, लेकिन अगर वो मेरे मजाक को सच मानकर बैठ जाए तो उसमें मेरा क्या दोष? और अगर मैं इन सब से ज्यादा समझदार हूँ तो इन्हें क्यों मिर्ची लगती है? लोमड़ी के बात सुनकर शेर राजा को सब समझ आ गया था। वो कुछ सोचकर लोमड़ी से कहते हैं, अच्छा ये बात है, अगर तू खुद को चालाक समझती है तो तुझे मेरी एक शर्त पूरी करके इसका प्रमाण देना होगा। वैसे तो सारा संसार जानता है कि मैं चालाक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बताइए राजा जी, क्या शर्त है आपके? तो सुन, मेरी शर्त ये है कि आज से 2 दिन के बाद तुझे अपनी पसंद के किसी भी जानवर के साथ इस जंगल के बाहर से पूरे जंगल का एक चक्कर लगाना होगा। तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे बुद्धिमान माना जाएगा, और जो हारेगा उसे जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। इस घटना के बाद 2 दिन बीत जाता है। फिर शर्त का दिन आने पर सारे जानवर इकट्ठा होते हैं और लोमड़ी दौड़ने के लिए खरगोश को चुनती है। उसके बाद खरगोश और लोमड़ी दौड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। हाथी जोर से चिल्लाकर दौड़ शुरू होने का संकेत देता है और दोनों प्रतियोगी दौड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद लोमड़ी बताए गए रास्ते से अलग हो जाती है और खरगोश सही रास्ते पर दौड़ता रहता है। तू तो खरगोश है, मोटी बुद्धि का है, मैं तो चली छोटे रास्ते से। तेरे पहुंचने से पहले ही मैं दौड़ जीत जाऊंगी और सब देखते रह जाएंगे। इतना कहकर लोमड़ी छोटे रास्ते से जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है और फिर वो एक बड़ा सा गड्ढे में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, इस गड्ढे में फंस गई हूँ मैं, कोई निकालो मुझे यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज सुनकर शेर के साथ बाकी के जानवर भी वहां आ जाते हैं। तब लोमड़ी शेर से कहती है, महाराज किसी बेवकूफ जानवर ने जंगलों के बीच में गड्ढा कर दिया है और मैं इसमें आकर फंस गई, मुझे यहां से निकालिए महाराज। ये गड्ढा तो मैंने ही करवाया है, लेकिन इसमें फंसने के लिए तू खुद जिम्मेदार है। तेरे कपट और चालाकी ने आज इस गड्ढे में गिरा दिया है। अगर तू बिना चालाकी किए मेरे बताए रास्ते पर चलती रहती तो तुझे इस गड्ढे में नहीं गिरना पड़ता। तू शर्त नहीं जीत पाई है, अब तेरी सजा है कि तू इस जंगल को छोड़कर चला जा। लोमड़ी को लकड़ी की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है और वह अपनी गलती के लिए सबसे माफी मांगती है और जंगल को छोड़कर चली जाती है।
बहुत साल पहले की बात है, एक जंगल में रहता था एक बंदर। बंदर सपनों में जो भी देखता था वह सच हो जाता था। एक दिन वो पेड़ के डाले पर सो रहा था, तभी उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा मिठू के दो बच्चे काली पहाड़ी पर घूमने के लिए निकले थे। घूमते घूमते बहुत समय हो गए और दोनों वापस जाने का रास्ता भूल गए। भाई, शाम होने वाली है, मुझे तो वापस जाने का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। यहाँ से तो सारे पेड़ एक जैसे दिख रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, अब हम यहाँ से कैसे वापस जाएंगे? तभी अचानक बंदर का सपना टूट गया और उसने बोला, अरे बाप रे, समझ नहीं आया, सपने में मुझे मीठू के बच्चे क्यों दिखाई दिए? खैर छोड़ो, सपना ही तो था। तभी मीठू तोता परेशान होकर उसके पास आया। अरे मीठू, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे बंदर भैया, मेरे दोनों बच्चे एक साथ घूमने निकले थे, शाम होने वाली है, अभी तक दोनों वापस नहीं आए, क्या तुमने उन्हें कहीं देखा? ये सुनकर बंदर सोच में पड़ गया और फिर बोला, तुम्हें सुनने में तो अजीब लगेगा, लेकिन मुझे अभी एक सपना आया था जिसके अंदर मुझे दिखाई दिया कि तुम्हारी दोनों बच्चे काली पहाड़ी पर है और वापस आने का रास्ता भूल गए हैं। क्या तुमको ये सब सपने में दिखाई दिया? हाँ मीठू बहन, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये सपना क्यों आया। हो सकता है तुम्हारा सपना सच हो, मैं अपनी बच्चों को ढूंढने जा रही हूँ। ये कहकर मीठू वहाँ से उड़ गई और तेजी से उड़कर काली पहाड़ी पर पहुँच गई। वहाँ उसको वो दोनों मिल गए। तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो और कभी भी इस पहाड़ी पर मत आना। फिर तीनों उड़कर बंदर के पास पहुँचे। शुक्रिया बंदर भाई, तुम्हारी सपनों के मदद से ही मैं अपने बच्चों को वापस पा सके, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर बंदर को यकीन नहीं हुआ। फिर मीठू अपने बच्चों को लेकर चली गई। अब बंदर को रोजाना सपने आने लगे और उन सपने में जो भी उसको दिखता वो सच होता। पूरे जंगल में ये बात फैल गया और वह मशहूर हो गया। वो शेर महाराज का भी खास सेवक बन गया था। दूसरी तरफ उस जंगल में बाघीरा अपनी पत्नी शेरनी और अपने बेटे शेरू के साथ रहता था। एक शेर उसका खास चमचा था, वो बाघीरा के पास ही आ रहा था। जब से शेर खान और बाघीरा की दोस्ती हुई है तब से बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी हो जाए के बाद मरने और मारने पर उतर आए। उधर बाघीरा का बेटा शेरू अपने पिता से कहा, पिताजी पिताजी, क्या मैं थोड़ी देर जंगल में घूमने के लिए जाऊं? मेरा प्यारा बच्चा, अभी से अकेले घूमने जाओगे? ठीक है, जाओ, जल्द ही वापस आना। शेरू वहां से चला गया और उसके ठीक बाद सियार भी वहां से निकल गया। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। काफी समय बाद जब शेरू वापस नहीं लौटा तब बाघीरा और शेरनी को उसकी चिंता होने लगी। तब सियार दौड़ते दौड़ते वहां पर आया। महाराज, शेर खान ने आपके बेटे शेरू का शिकार कर लिया, मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा कैसे हो सकता है,
शेर खान मेरा दोस्त है, शेर खान ऐसा नहीं कर सकता। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ महाराज, आप चाहे तो मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो। सियार उन दोनों को एक जगह पर ले गया जहाँ जमीन पर खूब सारा खून पड़ा था और कुछ मांस के टुकड़े भी पड़े थे। ये खून और मांस हमारी शेरू का ही है, अच्छी तरह से देखिए महाराज। ये कहकर सियार रोने लगा, बाघीरा और सैनी का भी आंखों में आंसू आ गया। अब मैं उस शेर खान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जाओ उससे कह दो कि आप मरने के लिए तैयार हो जाए। ये सुनकर सियार शेर खान के पास पहुंचा और बोला, महाराज बाघीरा और उसके पत्नी आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। अगर आप हार मानकर ये जंगल उनके हवाले कर देंगे तो आप पर वो हमला नहीं करेंगे। ये सुनकर शेर खान को गुस्सा आ गया और बोला, शेर खान किसी हमले से नहीं डरता, आने दो उनको, मैं भी तैयार हूँ। उधर बंदर पेड़ के डाली पर सो रहा था। इधर कुछ ही देर में बाघीरा और उसके पत्नी सैनी शेर खान के पास आ रहे थे। वहां पहुंचते ही दोनों ने शेर खान के ऊपर हमला कर दिए और उनके बीच लड़ाई होने लगी। उधर बंदर सपना देख रहा था। बेटा शेरू, तुम अकेले अकेले कहाँ घूम रहे हो? सियार काका, मैं बस घूमने निकला था। अरे मेरा बेटा, घूमने निकला है लेकिन यहाँ तो घूमने का अच्छा जगह नहीं है। तो आप ही बताइए कि घूमने का अच्छी जगह कहाँ मिल सकता है। ठीक है, मैं तुमको तालाब किनारे ले चलता हूँ, वहाँ तुमको अच्छा जगह मिल जाएगा। फिर वो दोनों तालाब के ओर चलने लगे। सियार शेरू के पीछे पीछे जा रहा था। सामने एक बड़ा सा गड्ढा था, शेरू उसमें गिरने ही वाला था लेकिन संभल गया। तब सियार ने उसको पीछे से टक्कर मारकर गड्ढे में गिरा दिया। अब होगी शेर खान और बाघीरा के बीच लड़ाई, बहुत मजा आएगा। इतना सपना देखने के बाद अचानक बंदर की आंख खुल गई और उसने देखा शेर खान और बाघीरा के बीच भयानक लड़ाई चल रहा है। तब बंदर पेड़ से उतरकर लड़ाई के स्थान पर गया और कहा, रुक जाओ बाघीरा, तुम्हारा बेटा शेरू जिंदा है। ये सुनकर दोनों रुक गए। तो बाघीरा ने उसे कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैंने अभी अभी सपने में देखा है, मेरा सपना कभी भी झूठ नहीं होता। सियार ने तुम्हारे बीच लड़ाई कराने के लिए शेरू को एक गड्ढे में गिरा दिया और तुमको किसी और जानवर की लाश दिखाकर ये बोल दिया कि शेर खान ने शेरू का शिकार की है। ये सुनकर सियार बहुत डर गया। बाघीरा ने उसकी तरफ गुस्से भरी आंखों से देखा और बंदर से कहा, बंदर भाई, अगर तुम उस गड्ढे के बारे में जानते हो तो अभी वहां लेकर चलो, उसके बाद ही पता चलेगा कि सच क्या है। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें उस जगह पर ले चलता हूँ। उसके बाद वो सभी उस गड्ढे के तरफ चलना शुरू किए। बंदर आगे आगे चल रहा था और बाकी सब पीछे पीछे। सियार भी उसके साथ जा रहा था और जैसे जैसे गड्ढा करीब आ रहा था, सियार की हालत खराब हुई जा रही थी, लेकिन वो अब वहाँ से भाग भी नहीं जा सकता था। फिर गड्ढे के पास पहुंचकर सबने गड्ढे के अंदर शेरू को देखा।
बाघीरा बहुत खुश हो गया और उसने गड्ढे के अंदर कूद गया। चलो बेटा, अब तुम मेरी पीठ पर चढ़कर ऊपर उठने की कोशिश करो। तब शेरू ने छलांग लगाकर बाघीरा के पीठ पर चढ़कर ऊपर उठ गया। उसके बाद बाघीरा भी ऊपर आया। सभी जानवर बहुत खुश हो गए। सभी जानवर अब सियार को बहुत गुस्से में देख रहे थे। फिर बाघीरा ने सियार के ऊपर झपट पड़े और उसे लहूलुहान कर दिए। फिर बाघीरा शेर खान के सामने आया और कहा, माफ करना शेर खान, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर हमला कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा कोई गलती नहीं है बघीरा। अगर मैं भी तुम्हारा जगह होता तो मैं भी ऐसा करता। सारी गलती इस चपलूस की थी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। माफ कर दो? तुझे क्या लगता है ऐसा घिनौना काम करने के बाद मैं तुझे माफ कर दूंगा? तो हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। फिर सियार उस जंगल को छोड़कर चला गया। उसके बाद वो तीनों वहां से अपने जंगल वापस चले गए। शेर खान ने बंदर का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत ढल गई। बंदर को अभी भी सपने आते हैं और वो अपने सपनों के जरिए किसी तरह जानवरों की मदद किया करता है।